हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गलत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गलत फोटोग्राफी में। दोस्तों, हम फोटोग्राफी के बारे में जान रहे हैं और पिछले कुछ क्लासेस में हमने कैमरे को और लेंस को आपस में कैसे अटैच किया जाता है उसके बारे में जाना, कैमरे की जो ग्रिप है उसको हम कैसे होल्ड करते हैं, ग्रिप को हम कैसे पकड़ते हैं, क्या हमारी पोजीशन होनी चाहिए जिससे कि हमारी शार्प फोटो हो जाए उसके बारे में भी जाना। और हमने तीसरी क्लास में ये जाना कि अपर्चर क्या होता है। दोस्तों, आज हम शटर स्पीड के बारे में जानेंगे जो कि फ़ोटोग्राफी के तीन बेसिक नियमों में से एक है। कल हमने बताया था, पिछली क्लास में हमने बताया था अपर्चर क्या होता है, और दूसरी जो नियम है वो शटर स्पीड है, और तीसरा जो नियम होगा वो ISO होगा। तो आज हम बात करते हैं शटर स्पीड के बारे में। तो दोस्तों, शटर स्पीड कैमरे के अंदर एक सेंसर होता है, सेंसर के आगे एक शटर लगा हुआ होता है, उस शटर के ओपन और क्लोज होने की जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग को हम शटर स्पीड बोलते हैं। और इसको ये जो काम करता है ये सेकंड के हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों, ये सेकंड के हिसाब से इस तरीके से काम करता है कि जैसे कि एक सेकंड हो गया, दो सेकंड हो गया, तीन सेकंड हो गया, या 1/30 सेकंड हो गया, 1/50 सेकंड हो गया, 1/100 सेकंड हो गया, 1/1000 सेकंड हो गया, 1/2000 सेकंड हो गया। दोस्तों, ये एक होता है एक सेकंड, और 1/30 सेकंड या 100 सेकंड, जैसे 1/30 सेकंड है तो एक सेकंड का जो तीसवा हिस्सा होगा वो उतने देर के लिए हमारा शटर ओपन होकर के क्लोज हो जाएगा। 1/500 सेकंड, तो एक सेकंड का जो 500वां हिस्सा होगा उतनी देर के लिए हमारा शटर ओपन होकर के क्लोज हो जाएगा। और इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस समय हम क्या यूज़ करना चाहिए, तो बेसिक जो रूल्स हैं शटर स्पीड के वो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, बेसिक ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखला रहा हूँ, यहाँ पर हमारा जो है एक बोतल का रखी हुई है, बोतल हमारी अभी स्टेबल है। मैं स्टार्ट करता हूँ 5 सेकंड से, तो अभी मैंने शटर की स्पीड रखी हुई है 5 सेकंड। क्यों? क्योंकि ये जो बोतल है ये हमारे स्टेबल है। जो शटर की स्पीड हम कम शटर स्पीड जब हम यूज़ करते हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सब्जेक्ट अगर हमारा मोशन में ना हो, सब्जेक्ट हमारा स्थिर हो, तब हम जो अपनी शटर की स्पीड है उसको कम करके हम आराम से फ़ोटो खींच सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने 5 सेकंड पे एक फ़ोटो ये क्लिक करा, और 5 के बाद में मैंने 3 सेकंड पे एक फ़ोटो क्लिक करा, और इस तरीके से मैंने अब 1 सेकंड पे क्लिक करा है, 1/10 सेकंड, 1/15 सेकंड पे ये फ़ोटो क्लिक करा, 1/30 सेकंड पे मैंने ये फ़ोटो क्लिक करा है। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्लो शटर स्पीड के बारे में। अब नॉर्मल स्पीड के बारे में मैं आपको बताऊं। दोस्तों, नॉर्मल स्पीड के लिए ज़्यादातर क्या होता है कि नॉर्मल स्पीड हम शटर की 1/100 रखते हैं, 1/125 रखते हैं, 1/160 भी हम रखते हैं। तो ये जो नॉर्मल स्पीड है, ये नॉर्मल स्पीड हम ह्यूमन बींग्स के लिए रखते हैं कि जैसे कि हम नॉर्मली कोई बंदा आराम से खड़ा है उसका हमने फ़ोटो खींच लिया है, तो और कोई बैठा हुआ है उसका हमने फ़ोटो खींच लिया है, तो इस तरीके से हम नॉर्मल स्पीड भी हम रखते हैं। ज़्यादा स्पीड हम कब रखते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट वो मोशन में होता है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा रनिंग में होता है, स्पीड में होता है। तो स्पीड वाले जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके लिए हमें हाई जो स्पीड रखनी पड़ती है, हाई शटर स्पीड का हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, देखिएगा, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर मेरा सावर है, यहाँ पर मैं सावर को अपना एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है। सावर से मेरा सावर से पानी निकलेगा और उस पानी का हम फ़ोटो शूट करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो मैंने सेटिंग रखी है वो मैंने सेटिंग रखी है 1/30, तो 1/30 पे मैं अपने सावर का फ़ोटो खींचता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने 1/30 पे ये फ़ोटो खींचा है, और जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस फ़ोटो में, ये देखिएगा कि ये जो डार्क एरिया है यहाँ पर, देखिएगा कि यहाँ पर जो पानी है, पानी वो ब्लरी हो रहा है। और अभी मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं इसी सेम कंडीशन में ही अपनी शटर स्पीड 100 रख लेता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने 100 पे ये फ़ोटो क्लिक करा है, और
अब कंपैरिजन करते हैं दोस्तों 30 सेकंड पे और 100 सेकंड पे क्या फ़र्क पड़ा। तो दोस्तों देखेगा कि यहाँ पर जैसा यहाँ पर गोल सर्किल मैंने करके दिखलाया है, इस गोल सर्किल के पर आप देखिएगा कि पानी का जो फ्लो है वो 30 सेकंड में थोड़ा ब्लरी हो रहा है और 100 सेकंड में थोड़ा सा क्लियर हो गया है जो पानी का फ्लो है। अब मैं यही कंडीशन यही सावर का मैं 1000 सेकेंड मतलब जो शटर स्पीड है हमारा 1/1000 पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखेगा कि अब क्या है कि 30 सेकंड और 100 सेकंड के मुकाबले यानी कि 1/30 सेकंड और 1/100 सेकंड के मुकाबले 1/1000 में मेरा जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अभी एक फ़ोटो और मैं क्लिक करके आपको दिखला दूँ कि अभी मैंने एक और फ़ोटो क्लिक करा है जिसमें यहाँ पर मैंने शटर की स्पीड रखी है 1/2000 रखी है। तो अब दोस्तों मैं चारों इमेजेस को आपके सामने यहाँ दिखला देता हूँ। चारों इमेजेस में हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर रनिंग में है तब हमारी जो शटर की स्पीड है स्लो होगी, थोड़ा सा तेज़ होगी, और उसके बाद में हमने थोड़ा सा हमने हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से उसको मैच करा है सब्जेक्ट जो शटर स्पीड है, तो उसके द्वारा हमारा जो है सब इमेज किस तरीके से आती है, हमारा सब्जेक्ट कितना क्लियर आता है। तो इस तरीके से दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 30 सेकेंड में यहाँ पर अब जो वाटर है पानी का जो है फ्लो वो थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है, 100 सेकंड में थोड़ा सा क्लियर हुआ और 1000 सेकंड में और ज़्यादा क्लियर हो गया और 2000 सेकंड में और ज़्यादा क्लियर हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से हमारे सब्जेक्ट का हमें कब हमारे सब्जेक्ट के साथ में क्या इफ़ेक्ट डालना है हमारी शटर स्पीड के द्वारा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। स्लो हम फास्ट सब्जेक्ट पे भी अपना स्लो शटर स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं और हाई शटर स्पीड भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से दिखलाना होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी एक टिप्स थी शटर स्पीड के बारे में, जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको आपके साथ में ये नॉलेज शेयर करी है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बराबर वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा दोस्तों।